यहाँ पर हम अब देखेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो इकोनॉमी से रिलेटेड हम यहाँ पर चीजें देखते हैं। तो राजकोषीय घटनाक्रम देखते हैं। पहले राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023 2024, तो नेशनल इनकम के आंकड़े कौन निकालता है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो 2023-24 के आंकड़े हैं। जब 2024 हम 2024 का बजट डिस्कस करेंगे तो उसमें 2024 के जितने भी आंकड़े हैं वो बता देंगे, या मोटा मोटा देख लेते हैं। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम ये जारी किए गए। वर्ष 2023-24 की जो फर्स्ट ए है एडवांस एस्टिमेट्स है नेशनल इनकम को लेकर, जीडीपी की वृद्धि दर 7.3% अनुमानित की गई है। एंड वित्त वर्ष 2023 फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, इसमें जीवीए कितना, देखिए जीडीपी की वृद्धि दर 7.3% अनुमानित है एंड जीवीए की 6.9। एंड यहाँ पर अगर देखें तो पर कैपिटा एनएनआई, तो इसकी कितनी रखी गई है इन्होंने, यहाँ पर चालू कीमतों पर अलग है और ये रखी गई है 10,45,50, 10,04,550 रुपये अनुमानित की गई है। तो ये आंकड़े आप ना भी याद रखोगे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 2023 के आंकड़े हैं, कम चांसेस रहते हैं पूछने के। बस आप ये याद रखना कि वृद्धि दर जीडीपी की कितनी अनुमानित थी, तो 7.3 अनुमानित थी, जीवीए के अकॉर्डिंग 6.9। तो ये याद रखना, 7.3 6.9 क्वेश्चन अगर पूछा जाए, इतना ये नहीं पूछेंगे आपसे ज़्यादा 2023 का। तो ये इम्पोर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग का गठन, 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। आर्टिकल 280(1) याद रखना है, और इसके बाद याद रखना है कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि कहाँ के प्रोफेसर है, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये रहेंगे। इससे पहले अरविंद पनगड़िया जी क्या है, 2015 में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष नीति आयोग के, तो सुमन बैरी हैं। ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। अब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सिफारिश की गई वो आप एक बार रीड कर सकते हो। संघ और राज्य के बीच करों की निवल आय का वितरण, जो संविधान के भाग 1 भाग 12 के अधीन, ये सब आप रीड आउट एक बार कर सकते हो। 16वां वित्त आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत क्या है, गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उन पर उचित सिफारिशें कर सकता है। तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। भारत का विदेशी ऋण कितना है सितंबर से लेकर दिसंबर 2023 तक, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर ये आंकड़े देते हैं। तो एक्सटर्नल डिबेट डेप्ट एक्सटर्नल डेट का यहाँ पर क्या है आंकड़े दिए हैं। तो जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर के अंत से लेकर दिसंबर तक 2023 में भारत का विदेशी ऋण कितना है, $635.3 बिलियन रहा, $635.3 बिलियन। परसेंटेज में पूछे तो 18.61% रहा। तो बस ये इतना याद रखना। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर ये कहाँ, बेंगलुरु में, जगह याद रखनी है कहाँ पर, बेंगलुरु में, तो जगह आपको याद रखनी है, ठीक है, कहाँ, बेंगलुरु में, ये जगह याद रखनी है, बेंगलुरु में, ठीक है। आईआईटी मद्रास के तकनीकी सहयोग से ये निर्मित किया गया, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20, तो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2019-20 अनुमान जारी किए गए, ये इसका 7वां संस्करण है। नेशनल हेल्थ सिस्टम रेस्पॉन्स सेंटर द्वारा तैयार किया जाता है। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में आउट ऑफ पॉकेट वह कितना रहा, यहाँ पर 62.6% से घटकर 47.7% रह गई है। तो जीडीपी अगर देखें तो 1.3% से बढ़ाकर 1.35 हो गई है, जो सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वास्थ्य में 1.35%। इसके बाद विदेश व्यापार नीति 2023, ये विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड
पॉलिसी 2023 घोषित की गई, इसके तहत भारत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात को कितने करने का संभावना व्यक्त की है, $2 trillion तक रखने की संभावना। इस्कोमेट याद रखना, इस नीति का फोकस इस्कोमेट है, स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इस्कोमेट हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये क्या है, तो इस्कोमेट मेडिकल से संबंधित है। नई नीति में क्या है, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से, नए शहरों तथा स्टेट होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का भी प्रावधान है। 4 नए शहर यहाँ पर लिए गए हैं, निर्दिष्ट किया गया है, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। इनको क्या है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 4 शहर याद रखना, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। 3 तो उत्तर प्रदेश के हैं और ये हरियाणा का है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023। ये 29 मार्च 2023 को लोकसभा द्वारा, 3 अप्रैल 2023 को राज्यसभा द्वारा प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया और 11 अप्रैल को राष्ट्रपति के साइन होकर इसको मंजूरी मिल गई। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन किया गया। अब क्या है, यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले लेन देन हेतु, अगर कोई भी जरूरी होगी 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाली लेन देन, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI को की मंजूरी यहाँ पर आवश्यक होगी, मतलब CCI से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके बाद यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों के दायरे का विस्तार करता है जिन्हें प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का हिस्सा माना जा सकता है। नेक्स्ट PM मित्र पार्क, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 PM मित्र पार्क को स्थापित करने के डिक्लेरेशन की है। अब PM मित्र है क्या, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल, तो टेक्सटाइल से संबंधित है, ये टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित है, ये याद रखना है, किससे संबंधित है, टेक्सटाइल उद्योग से। 7 पार्क कहाँ कहाँ बनाने की बात की गई है, वो जगह भी आपको एक बार याद रखनी है। यहाँ पर विद्युधर नगर तमिलनाडु में, वारंगल तेलंगाना, कालाबुर्गी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, धार MP, लखनऊ उत्तर प्रदेश में 7 PM मित्र पार्क बनाने की डिक्लेरेशन की है। PM मित्र प्रधानमंत्री के जो 5F विजन है उससे प्रेरित है। 5F का मतलब है फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 5F क्या है, 5F है फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरन, तो ये आपको ये भी ध्यान रखने हैं। 5F प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है। 7 PM मित्र पार्क कहाँ कहाँ, विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, कालाबुर्गी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, धार MP और लखनऊ UP में, तो ये ध्यान रखना है। इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 PM मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। योजना के लिए 4,445 करोड़ रुपए की बजटीय परिव्यय निर्धारित किया गया है 2021-22 से 27-28 की अवधि तक के लिए। केंद्रीय बजट 2023 पूरा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बस हम यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रीय बजट 2023 में क्या क्या चीज़ें ली गई थी, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बस देखेंगे, मोटा मोटा यहाँ पर आपको बताएंगे क्योंकि पूरा नहीं पढ़ेंगे कि क्या क्या बजट में लिया गया था। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर नोट डाउन करना, अमृतकाल का पहला अमृत बजट है, अमृतकाल का पहला आम बजट रहा ये, और इसके साथ साथ सप्तऋषि 7 प्राथमिकताओं पर ये आधारित रहा, 7 प्राथमिकताओं पर ये बजट आधारित रहा सप्तऋषि पर। वो सप्तऋषि में क्या क्या है वो आप ध्यान रखना है। एक पॉइंट और याद रखना, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बजट की प्राथमिकताएं क्या है, जो हमने अभी सप्तऋषि बताया 7 प्राथमिकताएं, उसमें एक समावेशी विकास और दूसरा फिर ये 7 के साथ आपको याद रखने हैं, समावेशी विकास, अंतिम छोर व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, एंड फोर्थ वन इज आपका सक्षमता को सामने लाना,
फिर आपका हरित विकास एंड इसके साथ साथ दो और लिख लीजिए यहाँ पर। सिक्स्थ वन है आपका युवा शक्ति, सिक्स्थ वन है युवा शक्ति एंड सेवन्थ वन है यहाँ पर, सेवन्थ वन इज वित्तीय क्षेत्र। तो इन सात पॉइंट पर ये आधारित है, सात प्राथमिकताएं हैं सप्तऋषि। तो बस यही याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ याद रख नहीं रखना है। एक तो अमृत काल का ये प्रथम बजट है, अमृत काल का प्रथम बजट कौन से ईयर रहा 2023 में याद रखना। इसके अलावा सप्तऋषि सात प्राथमिकताओं पर था, और इसके साथ साथ दो पॉइंट और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा अन्न उत्पादक देश भारत है, प्रोड्यूसर में कौन है, भारत है। अगर अन्न श्री अन्न मतलब बाजरा, तो मिलेट से एक तरह से इसको बोल सकते हैं, प्रोडक्शन में नंबर वन है और निर्यातक में सेकंड है, एक्सपोर्ट के मामले में भारत सेकंड है, क्योंकि भारत की भी खुद की जरूरतें हैं, जो बचता है फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट में सेकंड और प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में। ये दो पॉइंट और आपको याद रखने। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर हमने बजट के बारे में यहाँ पर बताए हैं। इसके बाद ये तीन पॉइंट याद रखना, एक तो पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम क्या है, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो किससे है, पृथ्वी से संबंधित है, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरक हैं इनके संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ये शुरू किया गया, पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम याद रखना, पीएम प्रणाम। तो ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए ये बजट का भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये छोड़ के चले जाओगे तो यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट है गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आदमी वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। तो गोवर्धन याद रखना किससे है, वेस्ट टू वेल्थ से संबंधित है। इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे जिनकी लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट है मिष्टी से संबंधित, मिष्टी यहाँ से सवाल बहुत बार लगे, मिष्टी क्या है, तो मिष्टी किसके लिए है, ये पहले इसके फुल फॉर्म याद रखना, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो मिष्टी किससे संबंधित है, मैंग्रोव वन से संबंधित है, मैंग्रोव वन से संबंधित है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है, पर मार्च 2025 तक दो वर्ष की अवधि के लिए नई लघु बचत योजना, नई बचत लघु योजना वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम महिला सम्मान बचत पत्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ये क्या, आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र, ये बस याद रखना, दो वर्ष की अवधि तक मार्च 2025 तक ये उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये था कुछ बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर आपको डिस्कस किए हैं। ये पूरे आंकड़े मत पढ़ना क्योंकि नया बजट आया, जहाँ से पूछने के चांसेस थे वो चीज़ें हमने आपको सारी यहाँ पर बताई हैं, जो स्कीम्स हैं, जो कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं और पीएम मित्र पार्क, ये सब बजट में थे, तो इतना सब हमने बताया, मिष्टी वगैरह, पीएम प्रणाम, गोवर्धन स्कीम। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आर्थिक समीक्षा, देख लेते हैं यहाँ पर हम आर्थिक समीक्षा 2022 के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 31 जनवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया। इस पांचवी अर्थव्यवस्था, आपने बताया भारत विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये पॉइंट किसके बारे में याद रखना है आपको, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर आपको ये एक बार बता देते हैं। देखिए चावल में, अगर चावल की बात की जाए, चावल में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, सेकंड यूपी का है, थर्ड पंजाब का है। याद रखना स्टेट में चावल में फर्स्ट पश्चिम बंगाल, सेकंड यूपी, थर्ड पंजाब। गेहूं में यूपी टॉप पर है, एमपी सेकंड है, पंजाब थर्ड है। यूपी फर्स्ट है, एमपी सेकंड है, पंजाब थर्ड है।
मक्का में कर्नाटक नंबर वन है, एमपी सेकंड है, महाराष्ट्र थर्ड है। मोटे अनाजों में कर्नाटक नंबर वन है, राजस्थान सेकंड है, महाराष्ट्र थर्ड है। अरहर दाल तूर में महाराष्ट्र नंबर वन है, महाराष्ट्र नंबर वन है, कर्नाटक सेकंड है, उत्तर प्रदेश थर्ड है। अरहर तूर में कुल दालों में एमपी फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड है, राजस्थान थर्ड है। चने की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर है, चने में एमपी सेकंड है, राजस्थान थर्ड है। कुल खाद्यान्न में यूपी टॉप पर है, एमपी सेकंड है, पंजाब थर्ड है। मूंगफली में गुजरात नंबर वन है, राजस्थान सेकंड है, तमिलनाडु थर्ड है। रैपसीड और सरसों में राजस्थान नंबर वन है, एमपी सेकंड है, हरियाणा थर्ड है। तो यहाँ से सवाल लग जाएंगे, तो इसलिए ये आपको डिस्कस करा रहे हैं। चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में यूपी, मक्का में कर्नाटका, मोटे अनाज में कर्नाटका, अरहर में महाराष्ट्र, कुल दाले में एमपी, चने में महाराष्ट्र, कुल खाद्यान्न में यूपी, मूंगफली में गुजरात और रैपसीड और सरसों में आपका राजस्थान। सोयाबीन में आपका महाराष्ट्र, सोयाबीन में कौन है, महाराष्ट्र है, सेकंड एमपी, थर्ड राजस्थान है। कुल तिलहन में राजस्थान नंबर वन है, एमपी सेकंड, गुजरात थर्ड। गन्ने में यूपी है, महाराष्ट्र सेकंड है, थर्ड कर्नाटक है। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल टॉप पर है, असम सेकंड, बिहार थर्ड है। तो ये कुछ आंकड़े आपको याद रखने हैं। आयात की दृष्टि से शीर्ष पांच देश, आयात मतलब जो इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट में चाइना टॉप पर है, सेकंड संयुक्त अरब अमीरात, थर्ड यूएसए, फोर्थ सऊदी अरब, फिफ्थ इराक है। आयात की दृष्टि से शीर्ष पांच देश यहाँ पर बताए गए हैं। निर्यात की दृष्टि से भी यही पांच देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, चाइना, बांग्लादेश और सिंगापुर। यहाँ पर बांग्लादेश ने जगह ले ली है, तो ये याद रखना है। तो निर्यात एक्सपोर्ट में ये टॉप पांच देश है जो एक्सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश एक्सपोर्ट के मामले में फोर्थ है, कंफ्यूज नहीं होना, यहां से बन सकता है सवाल। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट अनुमान, इसमें भी कुछ मोटे मोटे पॉइंट देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त बजट जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा क्या है यहाँ पर अनुमान प्रस्तुत किया गया 2023 का, 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट था। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए ये एक सदा हुआ कदम है। तो 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट था यूपी का, ध्यान रखना है। अब कुछ मोटी मोटी चीजें यहां पर देख लेते हैं। अब तक का सबसे बड़ा और अमृतकाल का प्रथम बजट है ये, अमृतकाल का प्रथम बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश इसका केंद्र रहा और बजट में 3,271.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई। पहले तो बजट याद रखना कितने करोड़ का था, ये 6.90 लाख करोड़ का था। जीडीपी, भारत की जीडीपी में यूपी का 8% योगदान है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। 2021-22 के राज्य के घरेलू जीडीपी में 16.8% में वृद्धि की गई, जो देश की विकास दर से अधिक है। और जीडीपी की वृद्धि दर 19% यहाँ पर राज्य की, जो जीएसडीपी वृद्धि दर है 19% अनुमानित की गई है। बेरोजगारी दर अब कम हो गई है उत्तर प्रदेश में, घटकर 4.2% हो गई है। फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है किन किन चीजों में, ये देख लेना। जो आवास ग्रामीण योजना चलाई गई थी, आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्य उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट, पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है। दूध उत्पादन, गन्ना, चीनी और एथेनॉल में भी उत्तर प्रदेश क्या है, नंबर वन पर है। डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। अटल पेंशन योजना के तहत भी पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। और यहाँ पर 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान। 12 स्थानों पर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थानों पर, वैसा सुगतम रैंकिंग में। सुदूर गांवों को विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस चलाई गई। तो ये था
कुछ उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में और कुछ पॉइंट है यहाँ पर, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पर द मिलियनर्स फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे देश में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कृषि क्षेत्र के बाद यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग एक विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। हथकरघा से संबंधित उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी 2022 यहाँ पर स्टार्ट हुई। विंध्याचल धाम में 3 यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोली गई। माँ विंध्येश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद मंडल में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये इम्पोर्टेंट है, 3 नई यूनिवर्सिटी खोली गई, 4 हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बताई थी जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया था, तो वो वीडियो भी आप जाकर दे सकते हो। और वन क्षेत्र में वनावरण एवं वृक्षावरण में उत्तर प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, तो 2030 तक इसे 15% करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के जो 9.23% पर क्या है वृक्ष है, इसको बढ़ाकर 15% करने की लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश अनुपूरक अनुदान की मांग 2023-24, तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये आप देख सकते हो, कोई खास आंकड़े नहीं है, अगर खास होते तो बता दिए जाते। एक बार अगर आपका मन संतुष्ट ना हो रहा तो रीड आउट भी कर सकते हो। अब उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा देख लेते हैं 2022-23, तो जीएसडीपी की वृद्धि दर 9.64% रही, कीमत और जो चालू कीमतों पर कितनी रही 16.76% रही, ठीक है। जीएसडीपी की वृद्धि दर 9.64% और प्रचलित ये है स्थिर कीमतों पर जो 9.64 है और चालू कीमतों पर 16.76% रही, तो बस ये याद रखना है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है, देखिए प्राइमरी में अगर जीडीपी में योगदान देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में जो प्राथमिक सेक्टर है कितना रहा 28.11%, 28.11%। और अगर बात करें फिर द्वितीय क्षेत्र का योगदान तो 24 पॉइंट, सेकेंडरी का 24.60%, प्राइमरी सेक्टर का 28.11, सेकेंडरी का 24.60, और टर्शियरी का कितना रहा, टर्शियरी का यहाँ पर रहा तृतीय क्षेत्र का योगदान रहा 47.92, 47 पॉइंट, ये 46.95 रहा प्रचलित कीमतों पर 46.95। तो आपसे सवाल इतना नहीं पूछेगा कि ये बताइए, आपसे आएगा कि इनको क्रम में लगाइए। तो पहले तृतीय सेक्टर में उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी में ज़्यादा योगदान रहा, और फिर द्वितीयक सेक्टर में जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें थर्ड पर रहा और प्राइमरी में सेकेंड पर रहा। तो क्रम लगाने को है, पहले टर्शियरी, फिर उसके बाद प्राइमरी, और उसके बाद फिर सेकेंडरी, तो इस तरह से लगाने को आ सकता है। तो याद रखना तृतीयक सेक्टर में ज़्यादा योगदान है, फिर प्राइमरी प्राथमिक में क्योंकि कृषि अच्छी खासी होती है, उपजाऊ भूमि है, और फिर सेकेंडरी सेक्टर रहा। ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना, सवाल यहाँ से जरूर बनते हैं। तो इस ये जो भी इम्पोर्टेंट था आर्थिक समीक्षा में, ये भी हमने आपको यहाँ पर बताया। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के 22,002 रुपये से बढ़कर 42,525 रुपये हो गई है, और स्टैंड अप इंडिया योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैंड अप में, और प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी खाते खोलने में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो स्टैंड अप इंडिया और जनधन योजना में यूपी नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। ये और देख लेना एक बार, राज्य के स्वकर राजस्व की संरचना, तो यहाँ पर जीएसटी 40%, राज्य उत्पाद शुल्क 22.28%, 22.28, मूल्य संवर्धि कर वैट वैट की बात करें तो 16.41%, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क 13.46%, विद्युत कर 2.41, एंड इसके बाद भू राजस्व 0.41, एंड लास्ट वन इज
आपका वहन कर ये कितना है 4.93। तो GST 40% और राज्य उत्पाद शुल्क 22.28, मूल्य वैट वैल्यू एडिड टैक्स 16.41%। ये क्या है, तीन टॉप पर है, GST, राज्य उत्पाद शुल्क और वैट। यहां हम देखेंगे प्रमुख नीतिगत दस्तावेज घटनाक्रम के बारे में। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची जारी कर दी है। ये सूची किसके द्वारा जारी की जाती है, RBI के द्वारा, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक DSIB। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग SBI, HDFC और ICICI बैंकों की पहचान क्या है, यहाँ पर घरेलू महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में कर दी है। तो तीनों बैंक याद रखने हैं, SBI, HDFC और ICICI। तो ये तीनों बैंक के नाम आपको याद रखने हैं। मौद्रिक नीति व्यक्तित्व 6 से 8 दिसंबर 2023। तो MPC यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2023-2024 जारी किए गए, जिसके अनुसार यहाँ पर LAF के तहत जो नीतिगत रेपो रेट है इसको 6.50 पर अपरिवर्तित रखा, SDFR को 6.25%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है और यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 6.75, CRR को 4.50, SLR को 18% रखा गया। 2023-24 वास्तविक GDP की वृद्धि दर 7% यहाँ पर अनुमानित की गई। इसके बाद 2000 रुपये के जो बैंक नोट थे इनको बंद कर दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। 19 मई 2023 को क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो 2000 रुपये के नोट थे इनके संचालन से वापस लेने की डिक्लेरेशन कर दी गई है। अगर आपसे पूछें कि 2000 के नोट वैध मुद्रा हैं या नहीं है, तो अभी भी ये क्या है, 2000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति 2023, ये जो ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 है, उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति, ये उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें क्या होगा, उत्तर प्रदेश में बिना किसी अनुमति के कोई ड्रोन उड़ान नहीं भर सकेगा, ड्रोन का पंजीकरण कराना कंपलसरी होगा और थाने स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण प्रदान करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट याद रखने। बिहार जाति आधारित गणना 2022 सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक आंकड़े यहाँ पर जारी किए गए हैं। कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 ये आंकड़े बिहार ने प्रस्तुत किए हैं। जनसंख्या 13 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें OBC की 27.13 करोड़, 36.1 करोड़, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 15.52%, जनरल कैटेगरी OBC में 33.16% और EBC में 33.58% गरीब परिवार हैं। SC में 42.93% गरीब हैं और ST में 42.60% गरीब हैं। और जो सामान्य श्रेणी है इसमें प्रमुख जाति है भूमिहार में क्या है, 27.58% गरीब है। नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट, ये NSSO द्वारा जारी की जाती है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, ये याद रखना है। कितने गरीब रहे, कितने अमीर रहे, कितने परसेंट गरीबी है, तो ये आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। तो भारत में पुरुष हेतु श्रम बल भागीदार दर 2022 में यह है कितना हो गया है, 78.5% हो गई है, जो कि 2017-18 में 75.8% थी श्रम बल भागीदारी। महिलाओं की कितनी हो गई है, यहाँ पर कामगार जनसंख्या अनुपात दिया गया है 2022 में, ये कितना हो गया 22-23 में 59.4% हो गया है, शहरी में इतना है। ये आंकड़े इतने वैसे पूछे जाने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछे तो आप ये एक बार देख लीजिए। कामगार जनसंख्या अनुपात 18 में ये 71.2 था, बढ़कर 76% हो गया है, कामगार जनसंख्या अनुपात 76% हो गया है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये 2017-18 में 5.3% थी, अब 2.4% रह गई है। बेरोजगारी दर भी घटी है, यहाँ पर 3.3% रह गई है। बिहार जाति आधारित गणना हमने बताई कि कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 आंकड़े प्रस्तुत किए गए, ये कुछ आंकड़ा है।
भारत का पहला यूपीआई एटीएम तो ये हिताची लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर इंडियाज फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया। व्हाइट लेवल एटीएम है, इसको एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया। हिताची मनी स्पोर्ट यूपीआई एटीएम नाम याद रखना है हिताची बैंक का। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, यह अजीज प्रेम जी यूनिवर्सिटी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट, ये कुछ आंकड़े हैं। अब विगत 5 वर्षों के कार्यशील आयु जनसंख्या है 1021, कार्यबल है 528, कार्यबल 493, बेरोजगार 35। ये इतना नहीं पूछेंगे, ये आप बस ये याद रखिए कि ये रिपोर्ट किसने दी। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट अजीज प्रेम जी यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 27 सितंबर 2023 को यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा और सहयोग दिया आईआईपीएस भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 प्रस्तुत की गई। थीम रही केयरिंग फॉर अवर एल्डर्स इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सेस। यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें, वर्ष 2022 में 60% या उससे अधिक 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं, जो कि टोटल जनसंख्या का 13.9% है, 13.9% है। भारत की बात करें तो भारत में कुल 60 या उससे ज़्यादा व्यक्तियों में लगभग 10.5% है, 10.5% बुजुर्ग लोग हैं। सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग, ये सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग 2022 पोर्टल www.cityfinance.in रैंकिंग्स को लाइव कर दिए गए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसमें क्या है, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज, अब पूरी तरह से डिजिटल और 100% पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं देश के जितने भी यूएलबी हैं। 28 दिसंबर 2022 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी कायाकल्प यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए दो पहल शुरू की गई, सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग एंड सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स एनएसई इंडेक्सिस लिमिटेड द्वारा देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है। इसमें क्या है, जो 200 से 200 रुपए तक लेन देन है, ट्रांसफर है, इसको बिना कोड के, मतलब बिना पिन कोड के आप ट्रांसफर कर सकते हो बिना पिन के। तो ये किसने स्टार्ट किया है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। कुछ आंकड़े अब कृषि के देख लेते हैं। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट दी गई है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिक्स 2023 किसके द्वारा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के वार्षिक संकलन मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिक्स का अनावरण किया गया मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसमें आंकड़े दिए गए हैं, कुल दुग्ध उत्पादन कितना रहा, 230.58 मिलियन टन रहा। कुल दुग्ध उत्पादन में भारत फर्स्ट रहा, इम्पोर्टेंट है, भारत की रैंक दूध में फर्स्ट रही। और भारत में अगर बात की जाए राज्यों की, तो राज्य में टॉप पर रहा उत्तर प्रदेश, टॉप रैंक रही उत्तर प्रदेश की दूध में। इसके बाद अंडा उत्पादन में भारत की रैंक कितनी रही, तीसरी रही है। अंडा उत्पादन में थर्ड रहा है भारत, और राज्य में कौन रहा है, राज्य में आपका आंध्र प्रदेश रहा है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट रैंक रही है। मांस उत्पादन में भारत की रैंक रही है यहाँ पर 8वें स्थान पर, और टॉप राज्य रहा है उत्तर प्रदेश। ऊन उत्पादन में यहाँ पर राज्य में राजस्थान टॉप पर रहा है, 47.58% के साथ राजस्थान यहाँ पर ऊन के उत्पादन में टॉप पर रहा है। प्रमुख फसलों का उत्पादन अंतिम अनुमान 2022-23, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह आंकड़े जारी किए गए हैं। चावल 13.5755 लाख टन, गेहूं, तो चावल सबसे ज़्यादा पैदावार होती है भारत में, उसके बाद गेहूं की, आंकड़े याद नहीं रखना बस ये क्रम याद रखना। उसके बाद क्या है, मक्का से ज़्यादा क्या मोटे अनाज हैं।
उससे भी ज्यादा खाद्यान्न है। तो बस आप क्या याद रखना है, आपको ये टॉप रैंक के रखने हैं, चावल और गेहूं, ये उत्पादन क्या है ज्यादा होता है भारत में। बागवानी फसलों का उत्पादन द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23, तो ये भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप का यहाँ सेकंड एडवांस एस्टिमेट जारी किया गया। फलों सब्जियों वृक्षारोपण फसलों शहद के उत्पादन में वृद्धि अनुमानित की गई। अब कितने कितने आंकड़े हैं, सारे आंकड़े दिए गए हैं। आलू उत्पादन यहाँ पर बढ़ा है और सब्जियाँ बढ़ी हैं, फल का उत्पादन बढ़ा है, प्लांटेशन क्रॉप्स का उत्पादन भी बढ़ा है। रबी क्रॉप्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP यहाँ पर कितना किया गया है उसकी लिस्ट देख लीजिए एक बार। मसूर के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल एंड रेपीसीड और सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। गेहूं के लिए ये लिस्ट है, गेहूं के लिए यहाँ पर 2024-25 के लिए ये 24-25 के लिए यहाँ पर 2275 रखा गया है। जौ के लिए 1850, चने के लिए 5440, मसूर के लिए 6425, रेपीसीड सरसों 5650 एंड सैफ्लोवर ये 5800। तो ये क्या है MSP यहाँ पर रखा गया, MSP में ये वृद्धि की गई है, तो MSP में यहाँ पर वृद्धि की गई है। ये आंकड़े याद रखने 24-25 के, तो ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। गेहूं का कितना रखा गया 2275 एंड जौ का 1850, चने का 5440। तो गेहूं का तो जरूर याद रखना 2275। कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन रबी अभियान 2023-24 रखा गया 26 सितंबर 2023 को। कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, कितना टन अनुमानित रहना है, तो ये इतना खास डेटा नहीं है कि आप इसको रटने बैठोगे। बस ये है कितना यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा तो बता दिया जाएगा। कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान 23-24, ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा खरीफ अभियान 2023-24 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2023-24 का शुभारम्भ किया गया। इसके लिए इंटीग्रेटेड ऐप और कृषि मैपर का भी उद्घाटन किया गया है, जियो स्पेशियल डाटा इन एग्रीकल्चर के लिए इंटीग्रेटेड ऐप और कृषि मैपर। GDP में लगभग 19% योगदान किसका है, कृषि का है, लगभग 2/3 जनसंख्या क्या है निर्भर है, 19% किसका, कृषि का। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने की डिक्लेरेशन की है, किसको, उर्वरक दुकानों को, ये याद रखना है। यहाँ पर जहाँ किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं बल्कि मिट्टी का परीक्षण और खेती की तकनीकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री अन्न का कुल उत्पादन वर्ष 2022-23 में 159.1 लाख टन से बढ़कर 23-24 में 170 लाख टन करना है। मतलब ये यहाँ पर अनुमानित है, मतलब इतना करना है, लक्ष्य बनाया गया है। लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना, 6th census ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स, इसकी रिपोर्ट जारी की गई। माइनर इरिगेशन योजनाओं में 94.8% ग्राउंड वाटर और 5.2% सरफेस वाटर योजनाएं हैं। अब सिंचाई गणना के तहत ये जो जो योजनाएं हैं उनमें देख लेते हैं। कुएं डगवेल की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, लघु सिंचाई योजनाओं में जो खोदे गए कुएं हैं डगवेल हैं उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है। उसके बाद शैलो ट्यूबवेल, मीडियम ट्यूबवेल और डीप ट्यूबवेल का स्थान है। तो खोदे गए कुएं की हिस्सेदारी सर्वाधिक है और इन योजनाओं में उत्तर प्रदेश टॉप पर है 17.2% के साथ। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ग्राउंड वाटर योजनाओं में उत्तर प्रदेश है और सरफेस वाटर में महाराष्ट्र है, ये बस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना, तो
पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रारंभ की गई है। अब इसमें क्या है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 750 करोड़ रुपए के लागत से ये क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है। कितने रुपए? 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए के साथ क्रेडिट गारंटी फंड किसके लिए है? ये पशुधन क्षेत्र में है, क्रेडिट गारंटी फंड पशुधन क्षेत्र में है। इसका प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? नाबार्ड द्वारा। अराकू कॉफी तथा काली मिर्च को क्या है? जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है अराकू कॉफी और काली मिर्च को। अराकू कॉफी कौन सी मिट्टी में होती है? तो याद रखना ये होती है लैटराइट मिट्टी में। अराकू कॉफी किस में होती है? लैटराइट मिट्टी में। इसकी पैदावार को अधिक वो मतलब क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे रबी की फसलों के लिए था ऐसे ही खरीफ की फसलों के लिए रखा गया है। तो धान के लिए कितना रखा गया है 2023-24 में? 2183। धान ग्रेड है 2203, वो सामान्य था ये ग्रेड है। ज्वार हाइब्रिड 3180, 3225। ज्वार मालदंडी बाजरा के लिए 2500, रागी के लिए 3840, 2090। मक्का के लिए 7000, अरहर के लिए 8558, मूंग के लिए 8558 मूंग एंड 6950 उड़द, 6377 मूंगफली, सूरजमुखी के बीज 6660, तिल और ये सोयाबीन पीला 4600, तिल 8635 एंड नाइजर सीड 7734। याद मत करना, एक नज़र बस डाल लीजिए कि थोड़ा भी याद रहे, कॉमन सेंस से आप आंसर लगा सको। कपास का 6620 एंड कपास लंबा रेशा का 7020। बागवानी फसलों का उत्पादन, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के क्षेत्र में फाइनल डेटा जारी किया गया है। और यहाँ पर वर्ष 2021-22 में फलों का उत्पादन 107.51 मिलियन टन रहा और सब्जियों का 209.14 मिलियन टन अनुमानित रहा। उत्तर सब्जी उत्पादन में टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश, ध्यान में रखना है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा, फल में आंध्र प्रदेश रहा, फलों में आंध्र प्रदेश एंड बागवानी में, समग्र बागवानी में उत्तर प्रदेश, बागवानी फसल में कर्नाटक, प्लांटेशन क्रॉप में एंड फल सब्जी मसाला, तो ये दिया गया है लिस्ट। कुल फल में आंध्र प्रदेश रहा, केले में आंध्र प्रदेश रहा, आम में आंध्र प्रदेश रहा एंड अमरूद में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा, अमरूद में यूपी, अंगूर में महाराष्ट्र, सेब में जम्मू कश्मीर, मस्क मेलन में भी उत्तर प्रदेश, अमरूद मस्क मेलन, कुल सब्जी और आलू में उत्तर प्रदेश क्या रहा है, प्रथम रहा है। ये चारों अमरूद, मस्क मेलन, कुल सब्जी, आलू। पपीता में गुजरात, कुल फूल में तमिलनाडु, सेब में जम्मू कश्मीर, अंगूर में महाराष्ट्र, आम में आंध्र प्रदेश, केले में आंध्र प्रदेश, कुल फल में आंध्र प्रदेश ही रहा है अगर सारे फलों की बात की जाए। टमाटर में एमपी रहा है, टमाटर में एमपी, प्याज में महाराष्ट्र, बैंगन में पश्चिम बंगाल। वैश्विक मिलेट्स सिरियन सम्मेलन, ये मोटे अनाज मिलेट्स को सिरियन बोला जाता है, तो इसके लिए स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का विमोचन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। कंपेडियम ऑफ इंडियन मिलेट्स स्टार्टअप्स एंड बुक ऑफ मिलेट्स स्टैंडर्ड्स का भी विमोचन किया गया एंड भारतीय कदनन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को क्या वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। मोटे अनाज में कौन कौन टॉप पर है? तो राजस्थान यहाँ टॉप पर है, उसके बाद मोटे अनाज में महाराष्ट्र और थर्ड रैंक है उत्तर प्रदेश की। अब यहाँ देखते हैं हम उद्योग क्षेत्र से संबंधित कुछ जानकारी। FDI एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों का निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की। इसका उद्देश्य क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में जो FDI है वो बढ़ेगी और अनेक कंपनियां यहाँ पर क्या है निवेश करेंगी,
तो इसलिए ये क्या है, निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 चलाई गई है उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रदेश जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो उसका लक्ष्य क्या है, 1 ट्रिलियन US डॉलर तक अपनी इकोनॉमी को पहुंचाना, ये क्या है इसका यहाँ पर उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश निवेश हेतु माहौल में उत्तर वृद्धि हो रही है, जिसके अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश क्या है, देश में प्रथम स्थान पर हो गया है। किस चीज में? अवस्थित उद्योग बैंक निधियों को अपने प्रोजेक्ट में आकर्षित करने के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है, अब दूसरे स्थान पर है, और सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर आ गया है। गरीबी से बाहर हुए लोग तो इनके लिए जो योजनाएं चलाई गई थी उसमें उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है। FDI में पीछे है, 11वें स्थान पर, इसलिए ये योजना चलाई गई है। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स चलाई गई है, ये लीड्स 2023, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स 2023, तो ये रिपोर्ट जारी की है। लीड्स की रिपोर्ट किसके द्वारा? पीयूष उद्योग मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। लीड्स की परिकल्पना 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के तर्ज पर की गई थी। लीड्स का ये पांचवा क्या है, पांचवा संस्करण है। अब इसमें आंकड़े देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। स्थलबद्ध समूह लैंडलॉक्ड ग्रुप में टॉप पर रहा हरियाणा, कोस्टल में रहा आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों में रहा आसाम एंड केंद्र शासित प्रदेश में रहा चंडीगढ़। राइट्स और इरकॉन को, यहाँ पर राइट्स लिमिटेड और इनको इरकॉन को नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया। टोटल नवरत्न कंपनी भारत में हो गई है पर 16। ये लिस्ट है नवरत्न कंपनीज की, बेल, यहाँ पर बेल, कॉनकोर, EIL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, MTNL, नालको, NBCC, इंडियन लिमिटेड, NLC, NMDC एंड शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेल विकास, रिनल, ONGC, RCFL एंड अब इरकॉन और राइट्स को भी शामिल किया गया है। तो टोटल नवरत्न कितने हो गई हैं, 16। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023, तो अनुच्छेद 162 के तहत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 4 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 यहाँ पर प्रख्यापित किया गया है। इसको 5 वर्ष के लिए है, अवधि कितनी है, 5 वर्ष के लिए है। वर्तमान में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग का जो मूल्य रहा है 41.7 बिलियन US डॉलर है। ये पॉइंट याद रखना, फैक्चुअल पॉइंट है। भारत विश्व में चिकित्सा सामग्री का 12वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है, ये भी पॉइंट याद रखना। जो चिकित्सा सामग्री है इस एक्सपोर्टर में 12th रैंक है। इंडिया टूरिज्म स्टेटिक्स एट आ ग्लांस 2023, ये किसके द्वारा जारी की गई? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। इंडिया टूरिज्म स्टेटिक्स एट आ ग्लांस 2023, इसमें भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या 6.19 मिलियन रही, 6.19 मिलियन रही, 6.19 मिलियन। ये आंकड़े हैं पर्यटन के। वित्तीय वर्ष 2022 यहाँ पर देखिए, ASI के अकॉर्डिंग ये आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक किन जगह पर घूमने के लिए गए? नंबर वन ताजमहल, फिर लाल किला, सूर्य मंदिर, कोणार्क, आगरा का किला, ये ताजमहल के जस्ट बगल में है, 1 किलोमीटर के अंदर में, एंड कुतुब मीनार। अगर विदेशियों की बात करें, विदेशी पर्यटक, ताजमहल टॉप पर रहा, आगरा का किला सेकंड रहा,
फतेहपुर सीकरी थर्ड रहा एंड एतमादुद्दौला का मकबरा फोर्थ रहा। तो ये टॉप पर रहे, ताजमहल देखते हुए फिर आगरा का किला देखते हुए वो फतेहपुर सीकरी निकल गए और फिर आ गए एतमादुद्दौला। तो चारों ये 50 किलोमीटर के दायरे में ही हैं, सारे ये चारों जो टॉप पर रहे विदेशी यहाँ आकर घूमते हैं। घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या में उत्तर प्रदेश के जो पांच राज्य केंद्र शासित प्रदेश है इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा, तमिलनाडु सेकंड और आंध्र प्रदेश थर्ड पर रहा। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिल गया है। हमने नवरत्न की बात की, नवरत्न कितनी थी 16 थी और महारत्न कितनी है, अब यहाँ पर ऐड कर लिया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को, तो महारत्न की संख्या 13 हो गई है। ये पूरा लिस्ट महारत्न की दी हुई है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, महारत्न की आप एक बार लिस्ट देख लीजिए, कब दिमाग घूम जाए किसी कमीशन का और पूछ ले सवाल। भेल, BPCL, CIL, गेल, IOCL, NTPC, ONGC, सेल, PGCIL, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड REC और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 13 के 13 क्या है, महारत्न कंपनीज हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 ये नीति आयोग द्वारा क्या है, निर्यात तैयारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। तो इसमें जो तटीय, देखिए चार श्रेणियों में रैंकिंग दी गई है, तटीय राज्य में कोस्टल में टॉप पर रहा तमिलनाडु, कोस्टल में टॉप पर तमिलनाडु, हिमालयन राज्यों में रहा उत्तराखंड एंड लैंडलॉक्ड में रहा हरियाणा, लैंडलॉक्ड में रहा हरियाणा एंड केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों में रहा गोवा। ये लिस्ट याद रखनी है, कौन सी लिस्ट है, ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई नीति आयोग द्वारा, चार श्रेणियों में कोस्टल, हिमालयन राज्य एंड लैंडलॉक्ड एंड केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य। समग्र रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग में तमिलनाडु टॉप पर रहा, महाराष्ट्र सेकंड रहा एंड कर्नाटक थर्ड रहा। ये ओवरऑल रैंकिंग है, ओवरऑल रैंकिंग और केंद्र शासित प्रदेश की ओवरऑल रैंकिंग छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, मिजोरम और दादरा एंड नागर हवेली, ये क्या है समग्र रैंकिंग में अंतिम पर रहे, ये अंतिम पर लक्षद्वीप, मिजोरम और ये टॉप पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक रहे। इस सूची में उत्तर प्रदेश ओवरऑल रैंकिंग में क्या है 7वें स्थान पर रहा। तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य बना, टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर निर्यात, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, ये एक पोर्टल है और यहाँ पर आंकड़े दिए जाते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया गया, ये स्टार्टअप बिलिंक द्वारा जारी किया गया। भारत ने 2022 की 19वीं रैंकिंग के बाद यहाँ पर 2023 में 21वीं रैंकिंग मिली, 2 का यहाँ पर घाटा हुआ, मतलब डिक्रीज हो गई है 19 से 21वीं रैंकिंग। किस में, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में स्टार्टअप बिलिंक द्वारा है जारी की जाती है। टॉप पर कौन है, USA, UK और इसराइल है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये याद रखना है कहाँ पर किया गया इसका आयोजन, लखनऊ में किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा और समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी 2.0 का शुभारम्भ किया गया। तो लक्ष्य वही है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना उत्तर प्रदेश को और यहाँ पर निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और एस्पिरेशनल टारगेट्स कुछ निर्धारित किए हैं। पूर्वान यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या है, पश्चिमांचल को कुल निवेश का 45% प्राप्त हुआ और पूर्वांचल को 29%, बुंदेलखंड और मध्यांचल को 13%।
अब यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं। वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट याद रखना, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39, ये लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन इसका शीर्षक है। तो किसके द्वारा ये जारी की गई? वैश्विक प्रेषण पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39। इसमें वर्ष 2023 अनुमानित में निम्न एवं मध्य आय वाले देशों में पांच शीर्ष क्रम पर रहे, भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र रहे। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जनवरी 2024, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जनवरी 2024, ये वर्ष 2023 में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर भारत की अनुमानित है 6.3। ये वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट दी गई है। यहाँ पर भारत के बारे में डेटा देख लीजिए, भारत का तो 2023 में 6.3, 24 में अनुमानित है 6.4, 25 में अनुमानित है 6.5। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग है ये रिपोर्ट, ये भी ध्यान रखना है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसको जारी करता है कौन? वर्ल्ड बैंक समूह जारी करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की 6.3, 6.4, 6.5। विश्व बैंक का स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक, ये संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। इसमें भारत की देख लेते हैं कितना रखा गया है, तो भारत की कितनी रखी गई है यहाँ पर 6.3, 6.2, 6.6, तो ये याद रखना है 2023, 24 और 25 में। उधर कितनी थी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग? 6.3, 6.4, 6.5, या 6.3, 6.2, 6.6। विश्व के सबसे अमीर देशों में नंबर वन पर रहा लग्जमबर्ग, सेकंड आयरलैंड, थर्ड सिंगापुर, ये टॉप रिचेस्ट कंट्रीज हैं, फोर्थ कतर, फाइव मकाऊ। मार्केट कैप के आधार पर विश्व के शीर्ष पांच बड़े बैंक कौन कौन से? जेपी मॉर्गन चेस, USA का बैंक ऑफ अमेरिका, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, वेल्स फार्गो एंड एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, तीन USA के और दो चाइना के हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के हैं, इन छह देशों के हैं पासपोर्ट। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है? एशियाई विकास बैंक के द्वारा यह जारी की जाती है। अब इसमें क्या आंकड़े रखे गए हैं भारत के देख लेते हैं कि GDP क्या रहने अनुमानित है। GDP वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित की गई है, यहाँ पर भारत की सितंबर और दिसंबर, यहाँ पर सितंबर दिसंबर देख लेते हैं 6.7, सितंबर की 6.3, सितंबर में 6.7 24 में और 6.7, तो 6.7 रखना किसके अकॉर्डिंग? यह है ADB के अकॉर्डिंग, और 6.3 किसके अकॉर्डिंग थी? यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग थी। तो ये याद रखना, इस तरह से पूछे जाएंगे 6.3, 6.4, 6.5 ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार थी, और इसके अलावा फिर UN जो संयुक्त राष्ट्र है के 6.3, 6.2, 6.6 थी, और यहाँ पर फिर ADB के अकॉर्डिंग 6.7, 6.7, 6.7 ये याद रखना है। दिसंबर 2023, सितंबर 2024, दिसंबर 2024। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई, इसका 50वां ये संस्करण है। अब इसमें किसके बारे में दिया गया है? ऋण के आंकड़े दिए गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये IMF द्वारा जारी की जाती है, तो इस तरह से सवाल बनेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। इसमें GDP जो आउटलुक वृद्धि अनुमान लगाया है भारत का कितना लगाया है ये देख लेते हैं। वर्ष 2023 में 6.3 और 24 में 6.3 का अनुमान लगाया है। किसके द्वारा? ये IMF के द्वारा 6.3, 6.3।
विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 यंगस्टार द्वारा जारी की जाती है, जारी की गई है। इसका विषय रहा इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। दक्षिण एशियाई देशों में भारत क्या है घोषित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के संदर्भ में क्या है, तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश बना है और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदे के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसमें भी भारत विश्व के 8वें स्थान पर है। एफडीआई के अंतर प्रवाह की दृष्टि से टॉप 3 अर्थव्यवस्था यूएसए, चाइना और सिंगापुर रही है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट ये कोर्सेरा इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है, कोर्सेरा इंस्टीट्यूट ग्लोबल स्किल रिपोर्ट कोर्सेरा इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का 5वां संस्करण था और इसमें स्विट्जरलैंड ने क्या है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, शीर्ष स्थान, और 2022 में भी स्विट्जरलैंड को ही शीर्ष स्थान मिला था। वहीं भारत की बात करें तो भारत को ओवरऑल रैंकिंग में 68वां स्थान मिला है 2022 में, लेकिन 2023 में इंडिया की कितनी रैंकिंग हो गई है, 60वीं रैंकिंग हो गई है स्किल के क्षेत्र में। और किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई स्किल की, कोर्सेरा के द्वारा, कोर्सेरा। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, ये वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड स्काई ट्रैक्स के द्वारा डिक्लेरेशन की गई। सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत का हवाई अड्डे कौन से शामिल रहे इसमें, नई दिल्ली का इंदिरा गांधी रैंक मिली 36वीं, हैदराबाद का राजीव गांधी 65वीं, बेंगलुरु का कैपगोड़ा इसको 69वीं एंड छत्रपति शिवाजी महाराज को 84वीं रैंक मिली। अगर बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया या साउथ एशिया की बात की जाए, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, तो वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। और बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया, ये किसका रहा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रहा। यहाँ कुछ वैश्विक सूचकांक देख लेते हैं हम। फोर्ब्स की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाएं कौन रही हैं, नंबर 1 पर उर्सुला वान डेर लेन रही, ये जर्मनी की, एंड क्रिस्टिना लेगार्ड फ्रांस की, कमला हैरिस ये वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की। भारत की 4 महिलाएं टॉप 100 में रही हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 32वीं रैंक, और 36वीं रैंक मिली इसमें 2022 में 36वीं, 21 में 37वीं, इनको क्या है रैंकिंग, इन्होंने 5वीं बार इस सूची में जगह पाई है। इस बार क्या है 32वीं रैंक रही है निर्मला सीतारमन जी की। और HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा 60वें नंबर पर, सेल की सोमा मंडल 17वें और किरण मजूमदार शाह 76वें नंबर पर, 4 महिलाएं शामिल की गई। फोर्ब्स के 100 सबसे अमीर व्यक्ति कौन कौन रहे, यहाँ पर टॉप पर रहे हैं भारत की तरफ से मुकेश अंबानी, देन इसके बाद गौतम अडानी और शिव नाडर, ये भारत के इस लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। जेरोदा के जो निखिल कामत हैं वो सबसे कम उम्र के अरबपति हैं, 37 साल की उम्र में ही ये अरबपति बन गए। महिलाओं में देखें तो सावित्री जिंदल और परिवार यहाँ पर महिलाओं की सूची में टॉप पर है, ओवरऑल 4th रैंक रही। 360 वन वेल्थ हुरन इंडिया रिच रिपोर्ट, इसमें भी इंडिया की तरफ से सर्वाधिक अमीर रहे हैं मुकेश अंबानी, जो मुकेश अंबानी और परिवार रहा है, देन गौतम अडानी एंड परिवार रहा है। सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति कैवल्य वो रहे हैं जो जैप्टो के संस्थापक हैं, बायजूस के जो बायजूस रविंदर हैं इस सूची से बाहर हो गए हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023, इसमें वॉलमार्ट ने लगातार 10वें साल टॉप रैंक पाई है, वॉलमार्ट टॉप पर रहा है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये UNDP और OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा ये रिपोर्ट ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रकाशित की गई, और इस बार का विषय रहा अनस्टेकिंग ग्लोबल पॉवर्टी डेटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन।
द ग्लोबल 200 सूची ये फोर्ब्स के द्वारा 2000 सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई। यूएस का जेपी मॉर्गन चेस बैंक शीर्ष पर रहा और सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी अरामको ये सेकंड रहे, सऊदी अरामको। भारत की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 8 पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर आ गया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स याद रखना वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। टॉप स्थान मिला इसमें सिंगापुर को और लास्ट में रहे लीबिया और अफगानिस्तान। भारत की रैंक इसमें 38वें स्थान पर रही, भारत रहा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें नंबर पर। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक ये हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। सूचकांक में यूएसए के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न शामिल है एंड भारत के कितने शामिल हैं इस सूचकांक में, भारत तीसरे नंबर पर रहा। भारत के 68 यूनिकॉर्न है जो विगत वर्ष की तुलना में 14 ज्यादा है, तो 68 भारत के यूनिकॉर्न है। विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट, इसमें भारत के कितने अरबपति देखे गए हैं, इसमें 3 भारतीय अरबपति हैं। मुकेश अंबानी को 9th रैंक मिली है, गौतम अडानी 24, शिवनाडर 55। हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट इसमें भी जो मुकेश अंबानी है शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने जगह बनाई, 9th रैंक इनको मिली है। और 3 शीर्ष अरबपति बर्नार्ड अर्नोल्ड टॉप पर रहे हैं, एलन मस्क सेकंड एंड थर्ड पर रहे हैं, बर्टेरेंच प्यूच एंड फैमिली। मानव विकास रिपोर्ट ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। और इस बार का रिपोर्ट का नाम दिया गया अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। 191 देशों को शामिल किया गया और इसमें सबसे दयनीय स्थिति किसकी है, दक्षिण सूडान की 191 रैंक मिली। टॉप पर रहा यहाँ पर स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे और फिर आइसलैंड रहा। इस सूचकांक में HDI में भारत की रैंकिंग कितनी रही, 132वीं रैंक पर भारत रहा। ठीक है, ये भारत की रैंकिंग है 132वीं रैंक पर, इसमें भारत रहा टॉप पर, स्विट्जरलैंड नॉर्वे और आइसलैंड रहे हैं। अब यह हम वैज्ञानिक परिदृश्य देखेंगे जिसमें स्पेस से संबंधित कुछ गतिविधियां जो हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। PSLV-C58 एक्सोपैट मिशन, ये एक्सोपैट मिशन इसरो ने किसकी हेल्प से, PSLV-C58 के माध्यम से इस उपग्रह को क्या है लॉन्च किया है। एक्सोपैट याद रखना है किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। किसके माध्यम से, PSLV-C58 के माध्यम से। कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको क्या है स्थापित किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से क्या एक्सरे एमिशन से स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट में अनुसंधान हेतु तो समर्पित है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और 2 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया, पोलिस और एस्पेक्ट। पोलिस मतलब पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज एंड एक्सपेक्ट का मतलब एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। तो पोलिक्स का विकास रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने किया और एक्सपेक्ट का UR राव उपग्रह केंद्र ने किया है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम अगर यहाँ देखें तो फिर हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है किससे संबंधित, नासा से संबंधित। नासा ने क्या किया है, साइकी अंतरिक्ष लॉन्च किया है, साइकी। और साइकी किससे संबंधित है, साइकी एक क्षुद्र ग्रह है, ड्वार्फ प्लैनेट है। और ये अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से क्या है लॉन्च किया गया है। कहाँ से, फ्लोरिडा से। बस ये याद रखना साइकी मिशन किसका है, नासा का मिशन है। ज़्यादा याद रखना है तो स्पेस एक्स के हैवी फाल्कन हैवी रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। और ये कहाँ पर, साइकी क्षुद्र ग्रह जो है वहाँ पर इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। साइकी क्षुद्र ग्रह की खोज 1852 में
इटालियन खगोलशास्त्री एनिबेल डी गैसपारी से ने की थी। और सोलवा ये क्षुद्र ग्रह था, किसके बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में है। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट माउरा वन लॉन्च किया है किसने? ये स्पेनिश कंपनी ने किया है। और ये पहला ऐसा है जो यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, प्रथम रॉकेट माउरा वन किसके द्वारा? स्पेनिश स्पेनिश कंपनी के द्वारा, स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस द्वारा। ठीक है। ईरान द्वारा नूर थ्री उपग्रह का सफल प्रशिक्षण किया गया। नूर थ्री बस नाम याद रखना, किस देश का है नूर थ्री उपग्रह? तो नूर थ्री उपग्रह ईरान का है। PSLV C-57 आदित्य L-1 मिशन, आदित्य L-1 मिशन PSLV C-57। तो ये क्या है? आदित्य L-1 किसके लिए है? सन के लिए, सूर्य के लिए है। कहाँ से लॉन्च किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। संस्कृत में आदित्य का मतलब ही सूर्य होता है। अब ये क्या है? सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट को संदर्भित करता है, आदित्य L-1, आदित्य L-1। और आदित्य का मतलब हो गया सूर्य, L-1 का मतलब हो गया लैग्रेंज पॉइंट। ये भारत का प्रथम सौर मिशन है, कौन सा? आदित्य L-1। याद रखना है, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडिया मिशन है। इससे क्या है? सूर्य का अध्ययन किया जाएगा, ना तो ये सूर्य पर लैंड करेगा ना ही उसके निकट जाएगा। ये क्या करेगा? जो लैग्रेंज पॉइंट है इसको बेस बनाएगा। अब लैग्रेंज बिंदुओं का नामकरण किसने किया था? इटालियन फ्रांस वैज्ञानिक ये जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने किया था। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में ऐसे स्थल हैं जो दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज एक पृथ्वी और सूर्य एग्जाम्पल के लिए का संयुक्त तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है इनके बीच में कोई छोटे पिंड द्वारा इनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। कोई छोटा बिंदु रख के फिर वो इसकी स्टडी करेगा। तो ये जो आदित्य L-1 मिशन है इसी के बेस पर इनकी स्टडी करेगा। टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L-1, L-2, L-3, L-4, L-5 निरूपित किया जाता है। ठीक है। 7 वैज्ञानिक पेलोड हैं, ये नाम ना भी याद रखोगे कोई जरूरी नहीं है। नभमित्र डिवाइस ये इसरो ने क्या है लॉन्च की है। नभमित्र डिवाइस अभिनव सुरक्षा उपकरण के सफल प्रशिक्षण द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। नभमित्र डिवाइस याद रखना है। कहाँ से लॉन्च की गई है? केरल के निंदकारा उपनगर से इसको लॉन्च किया गया। मत्स्य नौका पर यह स्थापित है। यह क्या करेगी? जो समुद्री यात्रा के दौरान मछुआरे हैं उनकी सुरक्षा करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। नभमित्र याद रखना, नभमित्र डिवाइस। इसके बाद विक्रम वन का अनावरण हुआ है। विक्रम वन ये स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम वन रॉकेट का अनावरण किया। फर्स्ट कॉमर्शियल रॉकेट है और ये मल्टी स्टेज बहुचरणीय प्रशिक्षण यान है। कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है और 3D प्रिंटेड तरल इंद्रों से युक्त है। आप इतना सब याद मत रखना। विक्रम वन का अनावरण स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किया और फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट है। लूना 25 मिशन ये किसका मिशन है? ये रशिया का मिशन है, बस याद रखना। रशिया का लूना 25 किसका है? रशिया का मिशन है और ये चंद्र मिशन है। ठीक है, ये याद रखना है बस। PSLV C-56 DSSAR मिशन ये किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। PSLV C-56 को सफलतापूर्वक क्या है लॉन्च किया गया। इसमें इसको 6 सहयात्रियों के साथ D-SAR उपग्रह को अंतरिक्ष में क्या है लॉन्च किया गया। टोटल 7 मिशन है और 7ों के 7 उपग्रह किसके हैं? सिंगापुर के हैं, याद रखना है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है चंद्रयान 3 से। तो 14 जुलाई 2023 को तृतीय चंद्र मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और ये जो LVM-3 रॉकेट की चौथी परिसंचालन उड़ान थी। LVM-3M4 ये याद रखना, LVM
LVM3M4 प्रशिक्षण यान के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। LVM3M4 नाम पूछा जाएगा, बता देना। चंद्रयान 3 इसी के हेल्प से लॉन्च हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष से। और चंद्रयान 3 का कुल भार 3895 है। इसको भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना। सवाल यहाँ से ही लगेगा, LVM3M4 है। तो इसमें क्या, इंडिजीनियस प्रपल्सन मॉडल एंड लैंडर और एक रोवर। रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता हासिल की। किसने? इसरो ने। सॉफ्ट लैंडिंग हुई कहां पर? हुई दक्षिणी ध्रुव पर। और विश्व का पहला अंतरिक्षयान बन गया जिसने साउथ पोल पर क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग की है, साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर। उस जगह को नाम दिया गया शिव शक्ति नाम दिया गया। और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा फिर कुछ और पॉइंट याद रख लेते हैं। जो चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा नाम दिया गया है। और लैंडर का नाम याद रखना है, लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। यहाँ से भी सवाल बनते हैं। इसके बाद ये कुछ खोज की हैं, विक्रम लैंडर में संगलन, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक, सोइल के तापमान का क्या है अध्ययन किए हैं, सल्फर की उपलब्धता की पुष्टि की है। एंड यहां पर देखते हैं अब GSLV F12 NVS 01 मिशन किसका मिशन है, इसरो का है, श्रीहरिकोटा से। GSLV F12 NVS मिशन ये क्या है, नेविगेशन उपग्रह है। और द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन ये उपग्रह, द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह है। नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका, GSLV F12 NVS 1 मिशन किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। सनी सैटर्न प्लैनेट अब सबसे ज्यादा यहाँ उपग्रह हो गए हैं। इसकी पुष्टि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने की है। अब 140 उपग्रह किस पे, सनी पर हो गए हैं और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला प्लैनेट बन गया है। सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट पूछा जाए तो गैनीमिड है, उसके बाद टाइटन सनी का सेकंड नंबर पे आता है उपग्रह में। और सबसे ज़्यादा उपग्रह अब हो गए हैं सनी के, बृहस्पति के सेकंड यूरेनस, फिर नेपच्यून, मार्स, पृथ्वी का एक है मून, वीनस और मरकरी के कोई प्लैनेट नहीं है। ड्वार प्लैनेट प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस मिशन, जूस की फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशन, मून के लिए है ये मिशन। अब ये 8 वर्षों की यात्रा के पश्चात 2031 तक बृहस्पति तक पहुंचेगा। कहाँ से लॉन्च किया, फ्रेंच गुयाना फ्रांस से। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है ये, ध्यान रखना है कौन सा, जूस मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। ये किन किन की स्टडी करेगा, बृहस्पति के 3 विशालकाय उपग्रह मून, गैनीमेड की, कैलिस्टो और यूरोपिया का डिटेल ऑब्जर्वेशन करेगा। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, तो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसमें क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी ये लागू होगी। यह नीति क्या करेगी, भारतीय क्षेत्र या भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी क्षेत्र में संपन्न हुई किसी भी अंतरिक्ष गतिविधि पर लागू होगी। इसके बाद इसरो का RLV लेस मिशन है ये, इसरो का RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। इसमें इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के सहयोग से क्या, ATR एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया है। और इसमें क्या है, RLV ने भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी है। विश्व में पहली बार ऐसा हुआ जब एक पंख वाले यंत्र
को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर लैंडिंग करने के लिए छोड़ा गया है। तो उसको छोड़ने के बाद फिर आरएलवी ने क्या है, नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके स्वायत्त लैंडिंग अभ्यास पूर्ण किया है। ये याद रखना है, जो ये मिशन है इसरो का आरएलवी लेस मिशन। इसके बाद एलवीएम थ्री एम थ्री वन वेब इंडिया 2 मिशन है, ये इसरो का मिशन है। कहाँ से, श्रीकोटा से ये लॉन्च किया गया। वन वेब ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रह को 450 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम टेरोन 1 है। किसका है, ये अमेरिका का है, ये याद रखना है। मेगा ट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रण पुनर्वेश सफल हुआ है। मेगा ट्रॉपिक्स 1 MT-1 मेगा ट्रॉपिक्स 1 का उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रण पुनः प्रवेश कंट्रोल्ड रीएंट्री सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। ये कहाँ उतारा गया इस उपग्रह को, प्रशांत महासागर में। और ये किसका है, इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष CNES का क्या है, संयुक्त मिशन है ये। SSLV-D2 EOS-7 मिशन, ये क्या है, SSLV की द्वितीयात्मक विकासात्मक सेकंड डेवलपमेंट फ्लाइट संपन्न हुई है। इसको नाम SSLV-D2 EOS मिशन नाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से ये लॉन्च किया गया है। 3 उपग्रह EOS, जानूस एंड आजादी सेट। EOS क्या है, ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। इसका वजन 156.3 किलोग्राम है। एंटारिस ये जो ये जानूस वन है, ये अमेरिकी कंपनी एंटारिस का उपग्रह है। और इसके अलावा फिर आजादी सेट, ये क्या है, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित उपग्रह है। और ये विश्व का ऐसा अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित 450 छात्राओं ने साथ मिलकर इसमें क्या है योगदान निभाया, इसके निर्माण में ऑल वुमेन कॉन्सेप्ट के साथ ये पहला अंतरिक्ष मिशन था। इसको नाम दिया गया है स्टेम, उद्देश्य स्टेम है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना। आज़ादी सेट 2 नाम याद रखना, आज़ादी सेट 2 और EOS ये दोनों के हैं, भारत के हैं। और जानूस 1 एंटारिस ये अमेरिका कंपनी का उपग्रह है। अमीरात चंद्र मिशन, अमीरात चंद्र मिशन कैप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है। अब इसका ये पहला अरब मिशन है, फर्स्ट अरब मिशन जो चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए जाएगा। इसमें राशिद रोवर को ये सब याद मत रखना, ये याद रखना अमीरात का चंद्र मिशन। नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, नासा ने क्या है आर्टमीज मिशन का द्वितीय शेड्यूल मिशन शेड्यूल जारी किया है। अपोलो 17 के बाद ये पहला मानव युक्त मिशन होगा। 1972 में अपोलो गया था, उसके बाद अब ये मानव के साथ ये वाला होगा आर्टमीज 2। नासा ने इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम सुझाए, जिसमें क्रिस्टीना कोच के हैं पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन ये याद रखना है, लार्जेस्ट अरब एस्ट्रोनॉमिकल मिशन की घोषणा की, ये 6 माह लंबा मिशन होगा। हज्जाल मंसूरी अंतरिक्ष में जाने वाले यूएई के पहले प्रथम व्यक्ति हैं। अब यहाँ हम देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज। एरावत भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, एरावत। तो नाम याद रखना है एरावत कंप्यूटर का। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग नेटवर्क स्टोरेज एंड एनालिसिस का आयोजन हुआ, कहाँ, अमेरिका के कोलोराडो में। और इस दौरान 14 नवंबर 2023 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की सूची जारी की गई है। टॉप रैंक मिली है अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को।
टॉप पर रहा अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। ये क्या है? एग्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। और यह सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित है ये इतना याद नहीं रखना। आपको याद रखना अमेरिका का सुपर कंप्यूटर टॉप विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। फिर वहीं भारत की बात कर, ये टॉप 5 सुपर कंप्यूटर हैं फ्रंटियर फ्रंटियर औरोरा ईगल। ये तीनों किस देश के हैं? तीनों ही अमेरिका के हैं। उसके बाद फुकाकू ये फोर्थ पर रहा है एंड लूमी ये फिनलैंड का फिफ्थ पर रहा है। भारत के 4 सुपर कंप्यूटर को टॉप 500 में जगह मिली है जिसमें एरावत PSI कहाँ पर स्थित है? सीडैक पुणे में। भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। इसको 90वीं रैंक मिली है। कितनी रैंक? 90वीं रैंक मिली है। 90वीं रैंक। एरावत PSI सुपर कंप्यूटर क्या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट क्षमता से लैस है और किस पर वर्क करता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। एरावत का नाम याद रखना, ठीक है। इसके अलावा और सुपर कंप्यूटर, ये भारत के टॉप सुपर कंप्यूटर हैं। तो किसके लिए यहाँ पर और बात करें परम सिद्धि AI की, तो परम सिद्धि भी ये पुणे में ही स्थापित है। इसको 163वां स्थान मिला है। एंड प्रत्यूष जो नोएडा में है इसको क्या है? सॉरी ये भी कहाँ? आईडेक पुणे में, ये पुणे में ही स्थित है IITM पुणे में। प्रत्यूष इसको 201वीं रैंक मिली है। एंड मिहिर ये है कहाँ पर? नोएडा में। तो मिहिर को मिला है कितना? 354वां स्थान। तो ये कुछ टॉप सुपर कंप्यूटर हैं भारत के। राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन प्रमुख सुपर कंप्यूटर, ये कुछ लिस्ट दी गई है कहाँ स्थापित हैं। जैसे परम कामरूप IIT गुवाहाटी में, परम अंत ये IIT गांधीनगर में, परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली, परम प्रवेगा IIC बेंगलुरु, परम गंगा IIT रुड़की, परम शिवाय IIT BHU, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम ब्रह्मा IISER पुणे, परम युक्ति JNCSR बेंगलुरु, परम संगणक IIT कानपुर, परम सिद्धि सीडैक पुणे। काफी अच्छी जगह है ये सीडैक पुणे। दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण हुआ, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया। नाम दिया गया इसे वूज। अब कितने क्या क्या जोड़ी है, कैसे जुड़ी है, ये इतना सब मत देखना क्योंकि विदेश की है। प्रथम हाई स्पीड एशिया की, दक्षिण पूर्वी एशिया की, जोको विडोडो ने इसका अनावरण किया, नाम रखा वूज। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भारत का पहला स्वदेशी क्षमता का दावित भारी जल रिएक्टर, ये कहाँ पर? गुजरात के काकरापार में। गुजरात के काकरापार में नाम याद रखना है, गुजरात के काकरापार में। और ये 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3, ये क्या है? भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत 6G अलायंस, ये दूरसंचार विभाग केंद्रीय संचार मंत्रालय ने भारत 6G अलायंस के गठन की डिक्लेरेशन की है। B6G, ये भारत 6G अलायंस, ये एक सहयोगी मंच है जिसमें क्या है? सार्वजनिक और निजी कंपनियां या रिसर्च इंस्टीट्यूट या मानक विकास संगठन ये सब शामिल है। और अगली पीढ़ी को ये वायरलेस टेक्नोलॉजी से क्या है, इसमें नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये B6GA का गठन किया गया है। वायरलेस टेक्नोलॉजी से इसके क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 6G पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार समूह का गठन किया गया। एंड TIG 6G द्वारा पुनः 6 कार्यबल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। TIG 6G द्वारा एक भारत 6G विजन 6G डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर ये TIG 6G भी याद रखना है और ये जो ऊपर
6G अलायंस है भारत का, B6G अलायंस, ये भी नाम याद रखना है। भारत को वर्ष 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी डिजाइन विकास एवं तैनाती में अग्रणी बनाना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो 6PD को बेतार मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना, लिप्त मतलब बेतार के टेक्नोलॉजी का यूज करना है, तो इसको नाम दिया गया है क्या, IMT 2030। IMT 2030 आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि IMT 2030 क्या है। तो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इसको नाम दिया 6ठी पीढ़ी को, जो बेतार मोबाइल प्रौद्योगिकी या 6G प्रौद्योगिकी का नाम दिया है IMT 2030। सागर संपर्क नामक एक प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पथ पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये भारतीय समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये क्या है, सागर संपर्क एक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। और किस पर आधारित है ये हमने बता दिया। तो DGNSS है, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है जो GNSS पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की त्रुटियों में सुधार करती है और इसे अच्छी स्थिति में ले जाती है, सटीक और अच्छी स्थिति में ले जाती है। तो IMO 16, IMO इंडियन मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, 16 सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, एंड आइला इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी के अंतर्गत दायित्वों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क ये तेलंगाना के द्वारा चलाया गया और देश का पहला राज्य बन गया है जो क्या है, रोबोटिक, जिसने फ्रेमवर्क की डिक्लेरेशन की है। कहाँ ये स्थापित किया जाएगा, रोबो पार्क में इसकी स्थापना की जाएगी। विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक, ये नई दिल्ली में नैनो DAP तरल उर्वरक का लोकार्पण गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। और ये क्या है, विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक है। इस उर्वरक का अनावरण उर्वरकों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो तरल नैनो यूरिया के पश्चात किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक पेश किया है। इफको नैनो DAP तरल उर्वरक उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO के अंतर्गत अधिसूचित है। इससे किसानों को हेल्प मिलेगी, पारंपरिक DAP से सस्ता है। नैनो DAP तरल नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का एक समृद्ध स्रोत है जिससे उनकी फसल भी फिर अच्छी होगी। इफको ने नैनो DAP उर्वरक के उत्पादन के लिए गुजरात के कलोल और एंड कांडला में क्या उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के पैरादीप में भी ऐसी सुविधा स्थापित की गई है जहां पर ये नैनो DAP तैयार किया जा सके। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसको टेक्नो सिटी परिसर में इसको स्थापित किया जा रहा है इस पार्क को। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। अब ये 2023-24 से 2030-31 तक इसकी अवधि रखी गई है। ग्रेटर कर्णावती क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है, ये भी ध्यान रखना, ये गुजरात में प्रस्तावित है। यूरेनियम 241, यूरेनियम का नया सम स्थानिक, ये क्या है, यूरेनियम जापान में क्या है, भौतिक विदों ने यूरेनियम के एक नए सम स्थानिक मतलब आइसोटोप की खोज की है। अब ये क्या आइसोटोप पहले अज्ञात था, परमाणु क्रमांक किसका 92, द्रव्य मास क्या है, मास नंबर 241, इसको नाम क्या दिया गया, यूरेनियम 241। आपसे पूछा जाएगा यूरेनियम 241 कहाँ मिला, जापान, नाम याद रखना जापान में।
ये क्या हाई एनर्जी एक्सेलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अनुसंधानकर्ता द्वारा इसकी खोज की गई है। इसमें प्रोटोनों की संख्या 92 है और न्यूट्रॉनों की 149 है। पहला ऐसा अवसर है जब किसी उसमें मिनरल में न्यूट्रॉन रिच यूरेनियम आइसोटोप की खोज की गई है और ये दूसरा सबसे भारी समस्थानिक है। इससे पहले क्या है? यूरेनियम 238 क्या है? यूरेनियम का सबसे भारी समस्थानिक है यूरेनियम 238। अब ये कौन सा है? यूरेनियम 241। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहां पर? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की क्या है? उद्घाटन किया है। और कहां पर किया है? ये जगह याद रखना, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहां? आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के देवस्थल वैधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 स्विट्जरलैंड में वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी आईक्यू एयर द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 इसमें क्या है? 131 देशों के 7323 शहरों के PM2.5 आंकड़ों पर आधारित है। अब इसमें इसमें क्या है? टॉप 3 देश चाड, इराक और पाकिस्तान है और इसमें तीनों देश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं। ये जो नाम लिए गए हैं, चाड, इराक और पाकिस्तान। भारत इस सूची में 8वें स्थान पर है। भारत इस सूची में कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। अंजामेना जो कि चाड की राजधानी है, चाड की राजधानी अंजामेना, इसको विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है और दिल्ली को सेकंड पोल्यूटेड यहां पर बताया गया है। ठीक है, विश्व की सबसे दूसरी प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली से ज्यादा अंजामेना है, चाड की कैपिटल। तो शहरों में अगर देखा जाए तो सबसे प्रदूषित लाहौर है और दूसरा भारत राजस्थान का भिवानी है। राजस्थान का भिवानी दूसरे नंबर पर है, किसमें? पोल्यूटेड में। देश का पहला वातानुकूलीन कंडेंसनर ये कहाँ? झारखंड में नॉर्थ करनपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसनर का शुभारंभ किया गया। जगह याद रखना है झारखंड। राज्य क्या है? झारखंड है। इसे एनटीपीसी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, ये याद रखना है। ये किन किन को आपूर्ति करेगा बिजली की? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को। बैंडिकूट, ये बैंडिकूट केरल सरकार ने क्या विश्व के पहले मैला ढोने वाले रोबोट का अनावरण किया। वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक स्क्वेंजर किसके द्वारा? केरल सरकार के। नाम दिया गया इसको बैंडिकूट। तो देश का पहला राज्य बन गया केरल, जो क्या है यहाँ पर जो मेन होल है उनकी सफाई है, तो रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। जम्मू और कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज की गई। कहाँ पर? रियासी जिले में, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले में, जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में ये मिले हैं। कितने टन मिले हैं? 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित संसाधित हैं यहाँ पर। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र, ये फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है। 8वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया 3 से 7 जनवरी तक। विषय रहा इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अध्यक्षता की डॉक्टर विजयलक्ष्मी सक्सेना ने, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट गुजरात के सूरत में इसकी शुरुआत की गई। एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का ये संयुक्त प्रयास है। ये दो याद रखने, टारगेट भारत के 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट, 2070 तक नेट जीरो। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफको के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का
उद्घाटन किया गया। इसमें नैनो यूरिया तरल में 4% क्या है, नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं। तो जगह बस याद रखना आंवला और फूलपुर में। यहाँ देखेंगे हम मेडिकल से संबंधित कुछ गतिविधियाँ, जैसे वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023, ये ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023, इसमें कितने 192 देश का आंकड़ा लिया गया है और इसमें कारण क्या है। देखिए कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में जो संक्रामक से मृत्यु हुई है वो टीबी दूसरा स्थान है। टीबी मतलब दूसरा कारण है जिससे सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। भारत में सबसे ज़्यादा मामले पाए गए हैं, 27% पूरे विश्व का 27% क्या है भारत में ही इसके मामले हैं। तो टॉप पर कौन है, भारत है। भारत में 27% आंकड़े पाए जाते हैं। 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। टारगेट रखा है 2025 तक टीबी उन्मूलन का। भारत ने कब तक रखा है टारगेट, इस 2025 तक। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत निश्चय मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है जिससे उनकी देखभाल और इलाज में सहायता हो सके। निश्चय का मतलब क्या है, नी का मतलब है एंड और क्षय का मतलब है टीबी, मतलब टीबी को एंड करना। तो निश्चय भी याद रखना है, टीबी से संबंधित है, टीबी को खत्म करने के लिए। भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एविएशन इन्फ्लुएंजा से मुक्त है। भारत अब क्या है, अधिक संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू से मुक्त हो गया है। ये कब डिक्लेरेशन हुई, विश्व अंडा दिवस के मौके पर 13 अक्टूबर को हुई। R21 मैट्रिक्स M द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है। ये क्या है, वैक्सीन है। WHO ने मलेरिया के रोकथाम के लिए एक नए टीके के प्रयोग की सिफारिश की है। इसका नाम रखा गया है R21 मैट्रिक्स एम। मलेरिया का यह दूसरा टीका है। इससे पहले कौन सा, RTS-SASO-1, इसको मंजूरी मिल चुकी है WHO के द्वारा। और ये विकसित किसके द्वारा किया गया है, R21 मैट्रिक्स एम टीके को, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जैनर इंस्टीट्यूट द्वारा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का नवरण किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या है, चार्टर ऑन पेशेंट सेफ्टी राइट्स, ये जारी किया गया है। ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान 2021 से 2030 को यहाँ पर अंगीकृत किया गया था। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस देख लेते हैं, कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को ये मनाया जाता है। थीम रही एंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो ये ध्यान रखना है, WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का अनावरण किया गया है और ये प्रथम रैंक, ये क्या है, स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा के संदर्भ में सभी रोगियों के मूल अधिकारों को रेखांकित करने वाला यह प्रथम यह रोगी चार्टर अधिकार चार्टर है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 गांधीनगर गुजरात में क्या है, प्रथम WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। तो जगह याद रखनी है, इसकी थीम क्या रही, टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेल बींग फॉर ऑल। यहाँ पर गुजरात डिक्लेरेशन भी हुआ है जिसमें क्या है, एक्यूपंचर हर्बल औषधि, स्वदेशी पारंपरिक औषधि, होम्योपैथिक पारंपरिक चीनी औषधि, नेचुरोपैथी, चिरोप्रैक्टिस उपचार, ऑस्ट्रोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सारी गतिविधियाँ इसमें शामिल हैं। WHO पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र ये जामनगर गुजरात में WHO GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई जामनगर गुजरात में। WHO GCTM किसी विकासशील देश में स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र का पहला और सबसे बड़ा पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये नरेंद्र मोदी जी ने MP के शहडोल जिले से इस मिशन का शुभारंभ किया है। तो केंद्र बजट 2023-24 में क्या है, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की
डिक्लेरेशन की गई है वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2047। टीबी पूछे तो 2025। तो यहाँ पर हाई फोकस्ड स्टेट 17 हाई फोकस्ड स्टेट के 278 जिलों में यह कार्यान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा होगा, नेशनल हेल्थ मिशन का ये हिस्सा होगा। 17 राज्यों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। 17 तो पूछेंगे नहीं, अपना उत्तर प्रदेश है इसमें, तो ये भी ध्यान रखना। सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है? रक्त की कमी की वजह से होता है, जो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है, और मोस्टली ये फीमेल्स में भी देखा जाता है। वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज अवेयरनेस डे 19 जून को मनाया जाता है। बेलीज मलेरिया मुक्त हो गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बेलीज कंट्री को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। पिछले 5 वर्षों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला अमेरिकी क्षेत्र का 2 देश और मध्य एशिया का 2 देश बन गया। इससे पहले पराग्वे, अर्जेंटीना और अल सल्वाडोर मलेरिया मुक्त हो गए हैं। तो मार्च 2023 में WHO ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को भी मलेरिया मुक्त किया था। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 और भारत की क्या स्थिति है? यहाँ पर 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग कितने लोगों की? 6,08,000 लोगों की मृत्यु हो गई। 2022 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया कुल मामले में भारत 66% के लिए जिम्मेदार है, अकेला भारत ही। WHO अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क, ये इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क IPSN, तो ये क्या है? पैथोजन जेनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से संक्रामक रोगों खतरे से लोगों की रक्षा करना है, और यहाँ जेनेटिक कोड का विश्लेषण किया जाता है। WHO हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस में स्थित है। तो यह वैश्विक नेटवर्क COVID-19 जैसे संक्रामक रोगों के खतरे का तेजी से पता लगाने और उनके प्रसार को रोकने के लिए जानकारी साझा करके मदद करेगा। वन वर्ल्ड टीवी समिट, ये वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ हुआ? उद्घाटन हुआ वाराणसी में, और इसकी थीम रही एनुअल इंडियन टीवी रिपोर्ट 2023 का भी यहाँ विमोचन किया गया। और 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत पहल को भी लॉन्च किया गया। यहाँ हम देखते हैं एनवायरमेंट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में। पहला, नीलगिरी तहर परियोजना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा इसे लॉन्च किया गया, और तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना चलाई गई। तो सवाल ये बनेगा, तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी तहर है, और ये किसी भी राज्य की पहली परियोजना, भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। 5 वर्षों के लिए इसको अभी स्टार्टिंग में फेज में किया गया, 2022 से 27 की अवधि के लिए लागू किया गया। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर डे के रूप में मनाया जाएगा। नीलगिरी तहर क्या है? एक खुरदार हुप्ड जानवर है, मतलब, और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की है। ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में विस्तृत है। देश का 54वां और मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है। नाम याद रखना, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। इसमें जो नोरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मर्ज कर दिया है, अब ये टाइगर रिजर्व का रूप ले लिया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये टाइगर रिजर्व है। टोटल एरिया मत याद रखना। तो यहाँ मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, इनके नाम याद रखना है। कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पन्ना, और अब हो गया है वीरांगना दुर्गावती 7वां मध्य प्रदेश का। नमो 108 क्या है? नमो 108 कमल की नई प्रजाति है, लोटस की नई प्रजाति है। कमल अभियान का भी यहाँ शुभारंभ किया गया, और
इसका नाम नमो 108 क्यों है? क्योंकि इसमें 108 पेटल्स है, मतलब पंखुड़ियां हैं। कितनी? 108, इसलिए इसको नमो 108 नाम दिया गया है। इस पुष्प को लखनऊ स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है और ये वेदर रेजिलिएंट है, मतलब सभी मौसम को झेल सकता है। नमो कमल की नमो 108 प्रजाति मार्च से दिसंबर तक पुष्पित होती है। नमो 108 प्रजाति खोज पहले कहाँ हुई थी? मणिपुर में हुई थी। अब ये लखनऊ की लैब ने बनाया, CSIR निबरी ने। कमल की पहली ऐसी प्रजाति है जिसका पूरी तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है। तो नमो 108 याद रखना, कमल की प्रजाति। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022, तो बाघ डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को टाइगर डे। ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर यहाँ पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन के 5th साइकिल के परिणाम जारी किए गए। टाइगर स्टेट्स ऑफ टाइगर को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 नामक पुस्तक में ये संकलित कर रिपोर्ट दिया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। बाघों की संख्या अनुमानित की गई 3682 और 2018 से काफ़ी बड़ी हैं। कार्बेट उत्तराखंड का कार्बेट बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक 260 है। टॉप राज्य बाघ के मामले में MP टॉप पर है, कर्नाटक सेकंड है, उत्तराखंड थर्ड है। MP, कर्नाटक और उत्तराखंड। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 9 अप्रैल 2023 को। इसमें 7 प्रमुख बिग कैट्स हैं, बाघ, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और जैगवार और चीता, तो ये इसमें 7 बिग कैट हैं। भारत में चीते का पुनर्वास, यहाँ पर पहले चीतों को कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से। 8 चीतों को कहाँ रखा गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान MP में रखा गया था। 1992 में ये क्या है, चीते विलुप्त हो गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर नामीबिया के बाद फिर कहाँ से लाया गया? अफ्रीका से। 22 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाया गया था। 18 फरवरी 2023 को ये साउथ अफ्रीका से लाया गया। टोटल 20 चीते, 12 साउथ अफ्रीका से, 8 नामीबिया से। तो 20 में से कुछ की डेथ भी हो गई है, यहाँ पर 6 की डेथ हो चुकी है। अभी 14 चीते हमारे यहाँ पर हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल में इसको घोषित कर दिया गया है, महेंद्रगिरी पहाड़ी को। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है और यह तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है किसका? उड़ीसा का। उड़ीसा सरकार ने यहाँ पर महेंद्रगिरी को जैव विविधता विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। तो उड़ीसा का यह प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल है, याद रखना है। जो ये पहला कौन है यहाँ पर, दूसरा कौन है ये भी याद रखना। पहला तो क्या है यहाँ पर, उड़ीसा का प्रथम जैव विविधता है मंदसरू कंधमाल, और ये जो अभी घोषित किया है ये द्वितीय जैव विविधता विरासत है, कौन? महेंद्रगिरी। तो याद रखना है ये भी आपको। अगर तमिलनाडु की बात करें तो अरीटापट्टी, ये तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में, इसको घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल की संख्या 1 है और मध्य प्रदेश में 3 है, बिहार में कोई नहीं है। भारत के 75 रामसर स्थल, यहाँ भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अब भारत में 75 हो गए हैं रामसर साइड, तो ये आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है 14, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10, उत्तर प्रदेश में है 10। कौन कौन सी? ऊपरी गंगा, हैदरपुर, बखीरा, समसपुर, पार्वती अर्गा, समान, सूर सरोवर, सांडी, नवाबगंज एंड सरसई नवल, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो टोटल अब 75 हो गए हैं।
हम डिफेंस से संबंधित कुछ न्यूज देख लेते हैं। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के किसी शहर के नाम पर पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है, नॉर्थ ईस्टर्न ईस्ट सिटी के नाम पर रखा गया है। ये किस परियोजना में? परियोजना 15B के तहत तीसरा युद्धपोत है। इससे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमगांव एंड यहाँ आईएनएस इम्फाल को शामिल किया गया है। समर क्या है? समर क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल एस्योर्ड रेटिलिएशन, ये क्या है? एक तरह मिसाइल है, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है समर। तो इस तरह से ही सवाल आएगा कि समर क्या है। सूर्यलंका एयर फोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कौन सी मिसाइल का? मिसाइल प्रलय का। और कहाँ? डीआरडीओ ने कहाँ किया? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ये मारक क्षमता इसकी देख लेना कितनी है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड ये कहाँ? लद्दाख में, लद्दाख स्थित नियोमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। तो नियोमा एयरफील्ड के बारे में बात करें, ये तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा। इससे पहले लेह और थोइस में दो एयरबेस पहले से ही हैं जो लड़ाकू विमानों के संचालन में सक्षम है। अब ये तीसरा बन गया नियोमा एयरफील्ड। IL-38C ये पहले एक बार देख लेते हैं। नेचेफू सुरंग ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 500 मीटर लंबी सुरंग है, ये भी याद रखना, नेचेफू सुरंग। IL-38C ड्रैगन सेवा मुक्त हो गया है। IL-38C ड्रैगन ये क्या? P-8I विमान इसका स्थान ग्रहण अब करेगा। P-8I IL-38C ड्रैगन क्या हो गया है? भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त हो गया है। IL-38C ड्रैगन एक समुद्री गश्ती विमान तथा पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान, एंटी सबमेराइन वारफेयर एयरक्राफ्ट है। एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल ये फर्स्ट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये क्या है? भारत ने प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया है। तो ये जो इंद्रजाल को हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है, ये याद रखना। देश में पहली बार ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है, ये भी ध्यान रखना। अस्त्र मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? पहली बार LCA तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ान सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। किस विमान से? LCA तेजस से। और किसका? अस्त्र मिसाइल का। मिसाइल का नाम याद रखना है अस्त्र मिसाइल, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर विमान याद रखना LCA तेजस, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किस तरह की मिसाइल है ये? ये क्या है? यहाँ पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। और इस किसके द्वारा इसको विकसित किया गया? DRDO द्वारा विकसित किया गया। मारक क्षमता इसकी 100 है। प्रबल रिवॉल्वर ये याद रखना, प्रबल रिवॉल्वर ये क्या है? लॉन्ग रेंज की रिवॉल्वर है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 50 मीटर तक है। जो नॉर्मल रिवॉल्वर होती हैं बाजार में उनकी मारक क्षमता कितनी होती है? 20 मीटर तक। लेकिन इसकी प्रबल की कितनी है? प्रबल रिवॉल्वर की 500 मीटर तक है, सॉरी 50 मीटर तक है, 500 नहीं 50 मीटर तक है। और इसका वजन भी कम ही है, 675 ग्राम है। प्रोजेक्ट कुश ये लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली क्या है? मिसाइल है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एंड इसको प्रोजेक्ट कुश नाम दिया गया है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को नाम क्या दिया गया है? प्रोजेक्ट कुश का नाम दिया गया है। INS कृपाण ये वियतनाम को सुपुर्द कर दिया है। भारत ने पहली बार किसी मैत्री या मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत उपहार में दिया है। किसको दिया है? ये भी सवाल आ सकता है। वियतनाम को दिया है, वियतनाम को दिया है। सर्वेक्षण पोत संशोधन ये चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावतरण किया गया है।
अग्नि प्राइम का सफल प्रशिक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, अग्नि पी भी बोल सकते हो इसका। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया कहाँ? उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। एमवी इंप्रेस क्या है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोर्ट है। एमवी इंप्रेस क्या है? इंटरनेशनल क्रूज वेसल है एमवी इंप्रेस। इसको हरी झंडी दी गई, चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। पहला ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है। बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है। प्रथम उड़ान प्रशिक्षण हुआ है किसका? बीएमडी इंटरसेप्टर का। इसको तैयार किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने। कहां से? उड़ीसा के तट से किया गया है। और यह समुद्र आधारित अंत वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसमें क्या है? दो नई मिसाइलें लगी हैं, AD-1 AD-2 लॉन्ग रेंज की है, ये याद रखना है। उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोद लॉन्च किया गया है। कहाँ से? कोलकाता के हुगली नदी से। कोलकाता के हुगली नदी में ये क्या है? पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ, एंड्रोथ नाम याद रखना है। कहाँ से? कोलकाता में हुगली नदी से। पहले एंटी सबमेराइन, ये फर्स्ट क्या है? एंटी सबमेराइन वॉरफेयर शैलो वॉरक्राफ्ट का दूसरा पोत है। पहला एंटी सबमेराइन वॉरफेयर क्राफ्ट का नाम क्या था? अर्नाला था। और दूसरे का नाम हो गया एंड्रोथ। पहला अर्नाला, दूसरा एंड्रोथ। तेरह ये क्या है? आईएनएस अंजदीप का जलावतरण कटुपल्ली तमिलनाडु में संपन्न हुआ। और आईएनएस अमिनी का भी जलावतरण हुआ, जबकि श्रृंखला में चौथे पोत आईएनएस अमिनी का भी जलावतरण हुआ है। आईएनएस वगीर नौसेना में शामिल, तो आईएनएस वगीर को कहाँ नौसेना में शामिल कर लिया है? मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो कौन से प्रोजेक्ट के तहत है ये? प्रोजेक्ट 75 के तहत है ये प्रोजेक्ट, याद रखना। 75 टोटल, छः इसमें क्या है? पनडुब्बी हैं। कौन कौन सी हैं वो नाम याद रखना है, एक एक करके इनके सारे नाम याद रखना है। पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी, दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंडारी, तृतीय आईएनएस करंज। और यहाँ पर जो तीन हो गई, आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज, एंड इसके बाद फिर आपका वेला, वगीर और वागशीरा। वेला कहाँ पर है? वेला यहाँ लिखा नहीं है, तो वेला आप लिख सकते हो। चतुर्थ क्या है? वेला है, ये लिखा, चतुर्थ वेला है। पांचवा वगीर है, और पांचवा ये वगीर है, और सिक्स्थ क्या है? वागशीरा है। छः के छः याद रखने हैं आपको, ठीक है? यहाँ से ही सवाल आएगा, प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी यहाँ पनडुब्बी हैं? ये 6 हैं। एक बार नाम फिर से रिपीट कर लेना, इनके नाम कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर, वागशीरा। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। तो ये सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के उद्यमियों की इसमें अहम भूमिका रही। तो स्काई हॉक याद रखना, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। बस सवाल यहां से बनेगा। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, यह हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, इससे पहले क्या है? तेजस था, तेजस भी है, और अब प्रचंड भी है। तो केंद्र सरकार द्वारा 97 हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों सहित कुल 2.23 लाख रुपए की रक्षा परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की गई। तो दोनों हेलीकॉप्टर के नाम याद रखना, तेजस और प्रचंड, दोनों का नाम याद रखना। हल्का हल्के लड़ा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये, और IAF भारतीय वायुसेना में इनको शामिल किया गया। डिजाइन किसके द्वारा किया गया इसका? HAL द्वारा, HAL द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। INS महेंद्रगिरी का जलावतरण हो गया है। पहले तो इसका प्रोजेक्ट याद रखना, प्रोजेक्ट 17A के तहत था। और INS महेंद्रगिरी का जलावतरण अरब सागर में संपन्न हुआ, प्रोजेक्ट 17A याद रखना है। तो छठे स्थिल युद्धपोत INS विंध्यगिरी का भी जलावतरण यहाँ पर संपन्न हुआ था।
आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत पर पहली बार रात में MiG-29 के विमान को लैंड कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि की है, तो ये ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो ये भी याद रखना है। ये क्या है? आईएनएस विक्रांत भारत के सामुदायिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्ध पोत है। ये फैक्चुअल पॉइंट याद रखने हैं। पहला स्वदेशी विमान पोत है। यह प्रमुख युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। वैसे हमने युद्ध अभ्यास कराए हैं, लेकिन एक बार यहां भी देख लेते हैं। एक्स विनबैक्स किसके बीच में होती है? ये होती है भारत और वियतनाम के बीच में। एक्स विनबैक्स सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में कहाँ आयोजित हुई? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुई। ऑस्ट्रा हिंद ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में और भारत के बीच में होती है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में। काजिंद किसके बीच में? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। एंड बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। हरिमऊ शक्ति ये भारत और मलेशिया, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर। मालाबार ये बहुराष्ट्रीय है, क्वेड देशों के बीच में होती है, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। जिमेक्स भारत और जापान। एक्यूवरीन भारत मालदीव, एक्यूवरीन मालदीव भारत और मालदीव। एक्यूवरीन से भी सवाल बन सकता है, भारत और मालदीव। अल मोहिद अल हिंदी ये भारत सऊदी अरब। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। अल मोहिद अल हिंदी सऊदी अरब, समुद्र शक्ति भारत। अजय वॉरियर यूके, अजय वॉरियर यूके। कोप इंडिया, कोप इंडिया ये अमेरिका के साथ। सिलिनेक्स श्रीलंका के साथ, सिलिनेक्स श्रीलंका के साथ। कोबरा वॉरियर ये क्या है? बहुपक्षीय, कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय है। कोंकण ये भारत की नौसेना और ब्रिटेन के बीच में। डेजर्ट फ्लैग ये भी बहुपक्षीय है, डेजर्ट फ्लैग बहुपक्षीय है। कटलस, कटलस ये भी बहुपक्षीय है, कटलस बहुपक्षीय है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत के बीच में। ला पेरोज ये भी बहुपक्षीय है। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। सैन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन, सैन्यू मैत्री और वीर गार्जियन ये जापान के बीच में। ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना के बीच में, आपस में ही होती है भारतीय नौसेना की है ये। भारत उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लीक होती है। और अभ्यास एम्फेक्स ये होती है भारत की जल थल और वायु सेना के बीच में। तो ये कुछ यहाँ पर अभ्यास थे और ये हमने यहाँ पर इनकी लिस्ट देखी।